शहीद हुए 20 जवानों को लेकर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर जताया विरोध। सीतापुर जिले के महमूदाबाद में रामकुंड चौराहे पर चीन द्वारा भारतीय जवानों पर धोखे से किए गए हमले की निंदा करते हुए भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य अमरीश गुप्ता व भाजपा युवा मोर्चा के चंद्र प्रकाश निगम सीपी तिवारी की अगुवाई में चीन के राष्ट्रपति व चीन का पुतला फूंक कर जताया गया विरोध। महमूदाबाद में मोहल्ला सरावगी टोला से बस स्टॉप बजाज चौराहा होते हुए रामकुंड चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति व चीन का पुतला फूंक कर चीनी सामान का भी जमकर विरोध किया गया। भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य अमरीश गुप्ता ने कहा कि हम सभी देशवासियों को चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और चीन ने जो हमें धोखे से हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया है उसका बदला भारतीय सैनिक जरूर लेकर रहेंगे। हम सभी नगर क्षेत्र व प्रदेशवासियों एवं देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि चीन दुनिया का सबसे कायर देश जो है वो हमारे पीछे वो हमें पीछे से वार करता है, जिसने धोखे से हमारे एक अच्छे अफसर एवं 20 भारतीय जवान को शहीद कर दिया। उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन करते हुए चीन के द्वारा बनाए जाने वाली सभी वस्तुओं का हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं और चीनी किसी भी सामान को अब हम नहीं खरीदेंगे। अपने भारत देश को मजबूत कर दुश्मन देश को खत्म करना है, करना पड़े। हम भारत सरकार से अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार चीन पर युद्ध करे और चीन के साथ युद्ध करके चीन को तबाह कर दे। ये महमूदाबाद के निवासियों की एक सूत्री मांग है। आज इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम सभी लोगों ने मास्क लगाकर रामकुंड चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंकने का कार्य किया। नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी भी एक ही मांग है कि चीन के साथ भारत सरकार युद्ध करके चीन को तबाह कर दे। धन्यवाद।